साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूँ आपके साथ आरती तिवारी। देश भर में नागपंचमी की धूम है, तो वही प्राइम टीवी के दर्शकों को सबसे पहले नागपंचमी की बधाई। तो आखिरकार नागपंचमी क्यों मनाई जाती है, देखिए हमारी रिपोर्ट। क्यों मनाते हैं नागपंचमी? नागपंचमी मनाने की कई कथाएं हैं, जिनमें से एक भगवान कृष्ण और कंस की है। कंस ने भगवान कृष्ण को मारने के लिए कालिया नाम के एक सांप को भेजा था। जब भगवान कृष्ण नदी के पास अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे, तो उनकी गेंद पानी में गिर गई और वो गेंद के लिए पानी में उतरे। तब कालिया ने उन पर हमला कर दिया, लेकिन कृष्ण ने उस पर विजय प्राप्त की। कालिया ने श्री कृष्ण से वादा किया कि वो कभी भी गांव वालों को नुकसान पहुंचाने के लिए वापस नहीं आएगा। ये दिन कालिया पर बाल कृष्ण की जीत का प्रतीक माना जाता है, और तभी से इस दिन को नाग पंचमी के रूप में मनाते हैं। नाग पंचमी पर क्यों पीटी जाती है गुड़िया? कहा जाता है कि एक लड़का महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। वो रोज मंदिर जाता था और नाग देवता उसे दर्शन देते थे। एक बार सावन के महीने में वो अपनी बहन के साथ मंदिर गया। दोनों की पूजा से प्रसन्न होकर नाग देवता उन दोनों के पास आकर बैठ गए। लड़की को लगा कि सांप उसके भाई को काट लेगा, इसीलिए उसने सांप को डंडे से पीटकर घायल कर दिया। मंदिर के पुजारी ने कहा कि एक निर्दोष सांप को मारने के कारण तुम्हारी बहन को गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। भाई ने श्राप से मुक्ति का उपाय पूछा, तो पुजारी ने उसे कपड़े की गुड़िया बनाने को कहा। तब लड़के ने कपड़े की गुड़िया बनाई और उसे 11 बार सीधा और 11 बार उल्टा पीटना शुरू कर दिया। फिर उसने गुड़िया को जमीन में गाड़ दिया और इसके बाद सांप की पूजा की। ऐसा करते ही बहन को सर्प श्राप से मुक्ति मिल गई। कहा जाता है कि तभी से नाग पंचमी पर गुड़िया को पीटा जाने लगा, ताकि नाग देवता को किसी भी प्रकार की पीड़ा ना हो। नाग पंचमी के दिन नहीं बनाई जाती है रोटी। नाग पंचमी के दिन लोहे की वस्तुओं का प्रयोग वर्जित माना जाता है। तवे को सांप के फन का प्रतीक माना जाता है, और तवे को आंच पर चढ़ाने से नाग देवता नाराज हो जाते हैं। इसीलिए नाग पंचमी के दिन तवे को चूल्हा पर नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा तवे को राहु का प्रतीक भी माना जाता है। वही अगर इस दिन तवे को प्रयोग किया जाए, तो आपकी कुंडली में राहु का प्रभाव बढ़ जाता है, जिससे कई तरह की परेशानियां शुरू हो जाती हैं। इसीलिए इस दिन रोटी खाना वर्जित माना जाता है। हमारी खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच सा